नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, सबसे पहले तो हर हर महादेव। आज जो है ये सावन का पावन महीना स्टार्ट हुआ है। आज के ही दिन हमें गुड न्यूज़ मिला कि बीपीएससी में 945 प्लस सीटें आने जा रही हैं 67वीं बीपीएससी में। और आज ही के दिन से हमारे चैनल पे प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि डेडिकेटली 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ इन दोनों के लिए संयुक्त रूप से ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। देखिए, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसका जो है कट ऑफ यहाँ पर रखा गया है, देखिए 105 मार्क्स, ठीक है, 105 यहाँ पर कट ऑफ रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, उससे बच्चा परफॉर्म करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आराम से वीडियो देखिए, सेट लगाइए और पीडीएफ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, 1889 में अहमदिया आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, ये देखिए इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, ये गुलाम अहमद जी ने किया था। किसने? गुलाम अहमद जी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो गुलाम अहमद जी ने 1889 में अहमदिया आंदोलन का स्टार्ट कराया था। ठीक है, अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 19वीं सदी के अंत में पंजाब के कादियान में हुआ था, इसलिए इसको कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए, 1929 ईस्वी में के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? देखिए, इस एक्ट का जो प्रमुख प्रावधान था वो क्या था, तो इसमें जो मेन फीचर था वो था जिससे लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया था। ठीक है, सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके तहत जो है 14 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, जो यहाँ पे उम्र है, एज ऑफ कंसेंट जिसको कहा जाता है, इसमें 14 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया था। इस बिल को राय साहब बिल भी कहा जाता है। इसमें जो है लड़कियों का जो है 14 वर्ष मिनिमम एज कर दिया गया था और लड़कों का 18 साल। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करिए। तो यहाँ जो कूट जो हमारा करेक्ट बैठ रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, शिव मंदिर जो है, शिव मंदिर कहाँ है? तो शिव मंदिर है भूमरा में, ठीक, भूमरा नागौर, यहाँ के हिसाब से, कूट के हिसाब से। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर भैया यहाँ आ जाएगा, देखिए तिगवा में, ठीक है, जबलपुर। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर भाई ये आ जाएगा हमारा कहाँ पे? तो देवगढ़ में। और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में। ये हमारा सही कूट हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही मिल रहा है। ठीक है, आइए 4 नंबर देखते हैं। यहाँ भी मिलान है, एक को दो से यहाँ मिलान करना है। देखिए, यहाँ का जो मिलान है, दीवाने वजीरात, ये जो है देखिए वित्त विभाग से इनका रिलेशन था। दीवाने अर्ज, इनका सैन्य विभाग से रिलेशन था। दीवाने रियालत, इनका जो है विदेश विभाग से रिलेशन था। और दीवाने ईशा की बात करें, ये पत्राचार विभाग से इनका रिलेशन था। सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या बोल रहा है? देखिए, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट के अनुसार जो सही उत्तरों का चयन करना है यहाँ पे, उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे हमारा जो दे रहा है, क्या दे रहा है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, सही बात है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशयन था, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इसका जो सही जो हमारा जो कूट बैठ जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही सही हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़ के सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ जो सही कूट हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबका राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। दूसरा है, 1731 ईस्वी में वर्ना की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की थी। इसका जो सही जो हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा स्टेटमेंट, वो यहाँ पे सही स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सही हमारा हो जाएगा, देखिए दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल ही सही यहाँ पे थे। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। निम्न पेशवाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही कालानुक्रम जो पेशवाओं का हो जाएगा, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद देखिए बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगे बालाजी बाजीराव और फिर माधवराव फर्स्ट। यानी कि ए हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल ही सब एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं। देखिए, इन निम्न नेताओं में से संबंधित उनके मिसल का गलत मिलान को चुनना है। इसमें जो गलत मिलान है, देखिए यहाँ पे क्या है, संधू जाट चौधरी कन्हैया मिसल, यहाँ पे ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, कन्हैया मिसल जो है ना, इनसे रिलेशन जय सिंह का है, ना कि सिंधु जाट चौधरी का। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के विषय में प्रावधान करता है। सेकंड स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। करेक्ट जो यहाँ हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्यूट सही है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या है, राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार यहाँ पे करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, राज्यपाल के पद की रिक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किस न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। सेकंड है, पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। देखिए इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा उपयुक्त है, बिल्कुल ही सही है। ठीक, नंबर 11 देखते हैं, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है। देखिए मीथेन गैस जो उत्सर्जन होता है, देखिए ये गेहूं खेत से भी होता है, ठीक है, धान के खेत से होता है, कोयला खदान से होता है, यानी कि यहाँ जो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ई उपयुक्त हो जाएगा, 1 से अधिक। ठीक है, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूँ तो कोयला खदान से, धान के खेत से, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से, इन सब से जो मेन सोर्सेज हैं मीथेन गैस का वो होता है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, लेटराइड मिट्टियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही यहाँ पे नहीं है। सही जो नहीं है उसकी बात करें वो है, देखिए उनमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। ठीक है, लेटराइड मिट्टियों में जो यहाँ पे रिलेशन है वो कथन यहाँ पे फास्फोरस में प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। भारत में लेटराइड मिट्टी मेघालय पठार तथा पूर्वी धार के क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिए ये बात को। ठीक है, नंबर 13 देखते हैं, आइए 13 नंबर में क्या है, देखिए अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, देखिए पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारण का अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, इस समिति के पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति की गई थी। देखिए इसमें स्टेटमेंट है वो इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है। ठीक है, पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारण अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने में 1977 में इस समिति का गठन किया गया था, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, देखिए पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर यहां पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। दूसरा है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243(झ) के तहत किया जाएगा। यहां जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यहां पे हो जाएगा, देखिए इसमें जो है पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा इनमें करेक्ट हो जाएगा। रिक 15 नंबर देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार यहाँ पे करना है। ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ओके, और अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कथनों को पढ़कर सही कूट का जो है यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, पहला है, देखिए इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। दूसरा, इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तीसरा, इंसुलिन के अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, इसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगती है। इसमें जो करेक्ट जो हमारा यहाँ स्टेटमेंट बैठ रहा है, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये देखिए तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। ठीक है, डी एकदम सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार यहाँ पे करना है। पहला, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। दूसरा, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। थर्ड है, इन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ जो करेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ बैठ रहा है, देखिए ये 2 और 3, ठीक है, नंबर 2 और 3 स्टेटमेंट एकदम सही है। ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं और इन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्या है, बायो कार्बन एवं फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए इसका जो प्रबंधन है ये करता है कौन, तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं,
19 है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है कौन? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का जो चयन करता है वो करता है देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान आर्टिकल 316 में किया गया है, सही जो यहाँ पे कूट हमारा हो जाएगा। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हैं, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़ के उसका अनुसार सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इसका आरंभ कोलकाता 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। दूसरा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों का विकास के लिए नई जीवन बीमा योजना है। तो इसका जो सही जो हमारा कूट हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों ही यहाँ हमारा एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सही है। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? देखिए इसमें जो जीवाणु, इनमें से सारे रोगों का कारक जो जीवाणु नहीं है वो देखिए यहाँ पे हमारा इनमें ऑप्शंस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। एड्स एवं पोलियो रोग का जो कारक है वो जीवाणु नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, यहाँ एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। एड्स और पोलियो रोग का जो जीवाणु जो कारक है वो जीवाणु नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में जो निश्चित रूप से उपस्थित जो तत्व होता है वो देखिए होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व सभी अम्लों में एकदम कंपलसरी एकदम पाया ही जाता है, निश्चित रूप से मिलता है। 24, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए इसमें जो है ना जो परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाया जाता है देखिए जस्ते का, जिसको गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? देखिए इनमें से जो ऑप्शंस में जो रोग हैं इनमें जीवाणु जनित की अगर बात करें, ये देखिए यक्षमा रोग जो है ना ये जीवाणु जनित है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खसरा विषाणु जनित रोग है, खिलाड़ी पाँव एवं दाद कवक द्वारा उत्पन्न होते वाले रोग हैं। यक्षमा एक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के जीवाणु मुँह से थूकने समय चूमने से प्रसारित ये सब कारण लक्षण होते हैं जिस वजह से ये बीमारी यक्षमा होता है। चलिए यक्षमा अगर इसको अगर ये बोला जाए तो इसको टीवी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, यक्षमा यानी कि टीवी, ठीक है। चलिए अगर मैं गलत हूँ, अगर इसको टीवी नहीं बोलते आप लोग कमेंट करके बताइए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है टीवी को हिंदी में यक्षमा ही बोलते हैं, हिंदी थोड़ा मेरा मतलब, ठीक है। चलिए 26, चलिए कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए कम जल में जो उगने वाले पौधे हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं, क्या बोलते हैं? मरुद्भिद, ए सही हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं, 27 में संस्था है वो उनके संस्थापक का कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? इनमें जो युग्म सुमेलित नहीं है अगर हम उनकी बात करें संस्था और उनके जो है करने वाले, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आत्मसभा ये यहाँ पे 1815 में राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आत्मसभा राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे। राधा स्वामी सत्संग है ना, राधा स्वामी सत्संग ये 1861 में शिवदयाल सहेल उर्फ तुलसीराम ने करा था, सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज 1828 में ये करा था देखिए राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन यहाँ पे ये जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है देखिए ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। 28 देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए यहाँ जो युग्म सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो वो है देखिए सी वाला, गीत गोविंद जयदेव, ये यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, बाकी सारे यहाँ पे गड़बड़ हैं। कथा सारणी की अगर बात करें यहाँ पे सूरदास नहीं यहाँ पे सोमदेव होगा, ठीक है। राज तरंगिनी की बात करें तो यहाँ पे विलहन नहीं कलहन होगा, गीत गोविंद जयदेव और विक्रमादेव चरित इसकी बात करें तो यहाँ पे विलहन होगा कलहन नहीं होगा, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, नंबर 29 है यांडबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? देखिए यांडबू की संधि जो है ना ये किनके मध्य हुई थी, तो ये प्रथम संधि आंगला बर्मा युद्ध बर्मा को पराजय के बाद यहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस जो इसमें से हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ई हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस ई हो जाएगा। यांडबू की संधि ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य
हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश और बर्मा के मध्य, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है हमारे, ठीक है। 30 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत जो आने वाला जो इसमें है वो है देखिए मायोन, ठीक है, डी सही हो जाएगा। मायोन जो है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत ये कैटेगरी में आता है। चलिए 31 देखते हैं। 31 है सॉरी 31 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ जो सही उत्तर का चयन हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आके आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलीज ये मलेरिया ज्वार होता है, ठीक है, उसके बाद मादा एडीज ये पीत ज्वार हो जाएगा, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें घरेलू मक्खी तो ये हैजा हो जाएगा, और पेडुलुकस इसकी बात करें तो ये टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा यहाँ सही कूट ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन बताना है यहाँ पे कौन होगा? देखिए इनमें से जो असत्य कथन की अगर हम बात करें, ठीक है, असत्य स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गड़बड़, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है चीन में है, चीन के संघाई में है, लदान मात्र के आधार पर इसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारा गड़बड़ है, यहाँ पे असत्य है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कहाँ, संघाई चीन में है। नंबर 33 देखते हैं, देश और राजधानी गलत युग्म यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो गलत युग्म है, देखिए यहाँ पे चार्ड बमाको यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारी गिनी क्रोनोको यहाँ पे कैमरून युआंडो और स्विट्जरलैंड मंबामबेंदे ये यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चार्ड वाला गलत है, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं, 34 में क्या, सूची एक को सूची दो सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से उसको मिलाना है। तो यहाँ पे जो सही कूट हो जाएगा, देखिए चिराग रिपु ये किधर है, तो ये असम हो जाएगा। पूर्वी द्वार ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद बात करें गारो पहाड़ ये कहाँ है, तो ये मेघालय में हो जाएगा। और बात करें मयूरभंज किधर है, तो मयूरभंज भैया उड़ीसा में है, ठीक है, सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नंबर 35, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें सुमेलित नहीं है उसकी बात करें वो है देखिए राजघाट बांध, यमुना ये गड़बड़ है, राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी के पास है, ना कि यमुना के पास, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 36, अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? देखिए अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नंबर 37 देखते हैं, निम्न कथनों में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूसरा है पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। सही जो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, देखिए बिल्कुल ही वो हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी अगर काट ले तो किस पदार्थ को हम यूज़ करेंगे तो आराम मिलेगा? तो देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करने से आराम मिलता है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा इन दोनों को संयुक्त रूप से यूज़ करेंगे तो होगा, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, ई एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला के। जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था? देखिए जीवीके राव समिति का गठन जो है ये किया गया था 1985 में, ध्यान रखें इस बात का, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए इनका गठन किया गया था। चलिए 40 देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है भाई। तो सही उत्तर का जो है चयन करना है, सबसे पहले देख लेते हैं नागर होल ये किधर है, तो ये भाई कर्नाटक में है। बांधवगढ़ ये किधर है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मालघाट ये किधर है, मालघाट है भाई महाराष्ट्र में। और मदुलाई जो है मधुमलाई ये कहाँ है, तमिलनाडु में। सही कूट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 देखते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ये कोई भी मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में जो फैलता है उसको बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि 2019 कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है ना, तो ये पैंडेमिक के सीरीज में आ जाएगा। 42, इन्फ्लुएंजा रोग होता है कैसे? देखिए इन्फ्लुएंजा रोग की बात करें, ये जो होता है ना इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणुओं से, ठीक है, विषाणुओं से यानी कि वायरस से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42, खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? देखिए खसरा की बीमारी जो है ये होता है किसके द्वारा, तो ये होता है भैया वायरस के द्वारा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 44 देखते हैं,
निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है? देखिए, इनमें जीवाणुओं से जो उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है पोलियो, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है जीवाणु जो है ये सारा किससे नहीं होता है, तो जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है। पोलियो, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी एक से अधिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 क्या बोल रहा है? नीचे सूची एक सूची दो सुमेलित करना है और नीचे देखिए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। तो सूची एक सूची दो देखिए, विष्ट दोआब जो है ये किधर हो जाएगा? व्यास रावी नदी पे हो जाएगा। बारी दोआब ये व्यास एवं रावी पे हो जाएगा। सॉरी, विष्ट दोआब जो है व्यास एवं सतलज पे हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, विष्ट दोआब जो है व्यास एवं सतलज पे हो जाएगा। ठीक है, बारी दोआब व्यास और रावी पे हो जाएगा। उसके बाद बात करें रेचना दोआब, ये रावी एवं चिन्नाब पे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, रावी एवं चिन्नाब पे ये हो जाएगा, है ना। और चार्ज दोआब ये व्यास और सतलज पे हो जाएगा, चुनाव झेलम पे हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो सही जो कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 46। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है देखिए, सबसे पहले तो फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? तो फूलों की खेती को बोलते हैं देखिए फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? तो सब्जियों की खेती को ओरेली कल्चर बोलते हैं और फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। कूट जो है हमारा सही बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। कवक का प्रयोग किया जाता है कब? देखिए, कवकों का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो इसमें ये इनका जो प्रयोग किया जाता है देखिए, अल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में तथा दवा बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। 48 देखते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? देखिए, फाइलेरिया नामक रोग जो है ये किस जीव के कारण होता है? तो ये होता है भैया देखिए, वुचेरिया बाइक्रोफाइटा के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। क्या है? किसी देश द्वारा मुद्रा का मूलन क्यों किया जाता है? देखिए, किसी भी देश के द्वारा मुद्रा का जो मूलन है वो किया जाता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना, भुगतान शुल्क और विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, ये सारा रीज़न होता है। निर्यात बढ़ाना, आयात को कम करना, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा अर्जन, यानी ये सारे जो है हमारे रीज़न सही हो जाएंगे, यानी ई हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भूमि निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? इसमें जो भूमि निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होते हैं वो होता है देखिए अपघर्षण। सॉरी, डी हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है? देखिए, एजेंडा 21 से जो संबंधित यहाँ बात करें वो क्या है, तो ब्राजील के रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया था। ठीक है, ये जो है ये इससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ब्राजील के रियो सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड ये एजेंडा 21 है, तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक, 52, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि ऋण देती है, क्या उसको बोलते हैं? तो भैया उसको बोलते हैं देखिए रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट में ही ब्याज की वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देती है। 53 देखते हैं। पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में तनाव सख्त जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे रिलेटेड है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट रिलेटेड है वो है भाई HF रीड से रिलेटेड, सी सही हो जाएगा। 54, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां रचनात्मक दृष्टि से संबंधित है किससे? देखिए, ये जो रचनात्मक दृष्टि से संबंधित है वो है देखिए प्रायद्वीपीय पठार से, ए सही हो जाएगा। 55 देखते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचारित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? भैया ऐसे जीव को कहा जाता है क्या? तो इनको कहा जाता है देखिए वेक्टर। डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर कहा जाता है। चलिए नंबर 56 देखते हैं। मियादी ज्वार किस कारण होता है, यानी मियादी बुखार जो है ये किस कारण होता है? देखिए, इसका जो रीजन होता है वो है देखिए जीवाणु। मियादी बुखार जो है जीवाणु के वजह से जो है होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया की वजह से। चलिए 57, जॉनसेंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? जॉनसेंग चोटी जो है किस भारतीय राज्य में है? देखिए, ये जो है ना सिक्किम में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। ऑटिज्म एवं मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है, किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? देखिए, ऑटिज्म का जो प्रतीक है ये माना गया है नीले रंग को, बी करेक्ट हो जाएगा।
59 देखते हैं। हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो राज्य स्तरीय दल का जो दर्जा प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया गया, देखिए, हरियाणा की भारतीय निर्वाचन सॉरी राज्य की जननायक पार्टी जो है, हरियाणा राज्य की जननायक पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त मान्यता दी गई है। 60 वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया था, यह किस मंत्रालय की पहल थी? तो ये जो है भाई, ये जो है देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की पहल थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 61 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? देखिए, इसका आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था, ए सही हो जाएगा। 62 केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है? तो एक सलाहकारी समिति का जो गठन किया गया है, ये किया गया, देखिए, सरस्वती नदी के ऊपर, बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं, दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ऐसा काम करने वाला विश्व का पहला देश बन गया वो है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया, सी एकदम सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नंबर 64 देखते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, इस दिवस पर धन संग्रह, सशस्त्र सेना का प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। यहाँ जो सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, देखिए, सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 65 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य पदार्थों की मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? तो ये काम किया है, देखिए, किसने, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 66 प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस जो है ये मनाया जाता है, देखिए, हर साल 2 दिसंबर को, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 निम्न में से कौन सी भूमि आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच एक स्थल रूढ़ ऊपर उठ जाते हैं? तो ये जो है कब होगा, तो ये होगा, देखिए, भ्रसंत पर्वतों पे होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 68 कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है कहाँ भाई? देखिए, कोरियोलिस बल जो है ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घर्षण से, यानी कि पृथ्वी के रगड़ने से, घर्षण से, यही होता है कोरियोलिस बल, डी सही हो जाएगा। 69 लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलार, बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह, ये किससे जुड़े थे? देखिए, ये लोग जो है ना, ये सारे जुड़े थे गदर पार्टी से, यानी गदर आंदोलन से, सी करेक्ट हो जाएगा। 70 रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है किस कारण से त्याग दिया था? इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि त्यागा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसी के दुख में इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 71 1890 की बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ थी, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, इसकी स्थापना जो है ये किया था, देखिए, M.N. लोखंडे ने, डी सही हो जाएगा। 72 बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या मतलब है, क्या ये निर्देश देता है? तो ये जो निर्देश देता है वो बुद्ध का प्रथम उपदेश है, बौद्ध धर्मचक्र परिवर्तन इसी को बोलते हैं, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 निम्न में से किस मुगल शासक ने मनसमदारी प्रथा में 2 अस्पा और सी अस्पा श्रेणी को परिवर्तित करा था? तो ये परिवर्तित करा था, देखिए, जहांगीर ने, ठीक है, 2 अस्पा और सी अस्पा श्रेणी को इसी ने परिवर्तित किया था। 2 अस्पा के अंतर्गत 1 सैनिक 2 घुड़सवार रख सकता था, वहीं सी अस्पा के अंतर्गत 1 सैनिक 3 घुड़सवार रख सकता था, ठीक है। 74 मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1863 में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? तो इस सोसाइटी का स्थापना किया था, देखिए, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में ये इसका स्थापना हुआ था और ये इसका संस्थापक थे, वो थे नवाब अब्दुल लतीफ ने, ठीक। चलिए 75 नंबर देखते हैं, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है, क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक बार फिर दिल्ली को मुगल राज्य को स्वतंत्र राजधानी घोषित करना होगा। दूसरा है कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। तीसरा है तात्या टोपे को फांसी। चौथा है सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। जो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, देखिए, बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा,
क्या है चार नंबर? तो सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा एक बार फिर से दिल्ली को मुगल साम्राज्य के स्वतंत्र राजधानी घोषित कर देना। उसके बाद क्या स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा? दूसरा, कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब द्वारा राजा घोषित किया जाना। और तीसरा है तात्या टोपे को फांसी। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 76 नंबर, इनमें से कौन सा अशोक का अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो ये जो अभिलेख है इसिला नामक प्राचीन नगर जो उल्लेख करता है वो कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी अभिलेख इसका नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी कहीं है ही नहीं, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मगिरी अभिलेख जो है वहीं अशोक के इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। 77, नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? देखिए, नहरों का निर्माण करने वाला जो पहला सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना इसी ने करा था और ये नहरें बनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, इसने तुगलकाबाद नामक शहर की भी स्थापना करवाई थी, ध्यान रखें इस बात का। 78, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये देखिए ये हुआ था भाई मराठा और अफगानों के बीच में। सी करेक्ट हो जाएगा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है इनमें से वो है देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, ये यहाँ पे एक गड़बड़ स्टेटमेंट है, सही नहीं है। अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान था जो देव राय द्वितीय के दरबार में गया था। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, कृष्णदेव राय के दरबार में ये नहीं आया था। 80, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में जो निम्न कथन यहाँ पे सही नहीं है वो कौन है? तो देखिए बी वाला सही हो जाएगा, मनसबदार का पद सैनिक का वंशानुगत होता था। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं, क्या है? भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? देखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, जिनका जो अजमेर में दरगाह भी है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 82, महाजनपद व उनकी राजधानी व गलत युग्म बताना है। महाजनपद और उनकी राजधानी व गलत युग्म में यहाँ पे है अशमक, मथुरा, ये यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, अशमक जो है इसकी राजधानी पोटाली या पोतन थी, ना कि मथुरा। तो यहाँ पे डी हमारा सही। 80 नंबर देखते हैं, भारत में संवतों का सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी कौन सा संवत पहले आया, यहाँ पे ये बताना है। देखिए, इसका जो सही कालानुक्रम है वो है इनमें से ए, विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष, ये हमारा सही है। विक्रम संवत कब आया? देखिए, विक्रम संवत आया था 57 BC में, यानी कि 57 ईसा पूर्व। शक संवत आया था 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत ये 319 से 320 ईस्वी, और हर्ष जो है 606 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 84 देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में चली थी? देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन जो है ये चली थी देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85, किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? तो मराठा राज्य संघ का जो अंत हुआ था ये हुआ था देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में, ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 तक इनका कार्यकाल रहा था। 86 देखते हैं, क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर को कहाँ प्रकाशित ये होते थे? तो ये जो होते थे प्रकाशित वो बंगाल में होते थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवादियों के ये दोनों समाचार पत्र जो है काफ़ी पैरवी किया करते थे और इसी वजह से 1906 में इसको जो है मतलब बैन भी किया गया। चलिए, 87, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई? तो ये मांग जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी ये कब? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इसकी मांग रखी गई थी, ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नंबर 88 देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बंगाल विभाजन है ये रद्द किया गया था कब? तो साल 1911 में, और 1912 में कलकत्ता से कैपिटल ट्रांसफर करके दिल्ली आ गया, यानी कि 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी के रूप में घोषित कर दी गई। 89, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? तो देखिए, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की जो वकालत किया है ये किया है देखिए राजा राम मोहन रॉय ने, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90, निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित था? देखिए, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित यहाँ रिलेशन है वो किसका है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर का है, इन्होंने बहुत इनके अथक प्रयासों से ये इस जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो है ये चला और फिर इसके अगेंस्ट एक्ट भी आया था, कानूनी बनाया गया। 91, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल जो है
अरबी, फारसी व बंगाली भाषा का जानकार था। देखिए, अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार जो गवर्नर जनरल था वो तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता था? देखिए, भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो होता था, देखिए, राष्ट्रपति। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में यही होते हैं, ठीक है। 93 देखते हैं, 93 क्या है, मौलिक अधिकारों का जो है, मौलिक अधिकारों का अवधारण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? देखिए, मौलिक अधिकारों का जो अवधारण है ये ग्रहण किया गया है अमेरिका से, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का अवधारण जो है यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अवधारण अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का अवधारण के अलावा उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब जो है उपराष्ट्रपति, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है यह कथन किसका है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये देखिए NA पालकी वाला का, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं का ये स्टेटमेंट है। 95 नंबर देखते हैं, आइए 95 है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी? देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है ये लाई गई थी 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। डी करेक्ट हो जाएगा। 96, 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है भैया, देखिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 97 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद राज्य का नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो ये जो है रोकता है आर्टिकल 15(1), यही जो है राज्य को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है, यानी गवर्नमेंट को, ठीक है। 98, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? देखिए, सोडा वाटर जो है ये मिला के बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 99, गलत युग्म की यहाँ पे पहचान करनी है, तो गलत युग्म इनमें जो है देखिए नींबू में लिटिक लीफ जस्ते की कमी से ये हो जाता है, ये गड़बड़ है, ठीक है। नींबू में साइट्रस कैंकर नामक रोग होता है जो कि जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, ठीक, तो ये लिटिल लीफ नहीं होता इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, क्या है? देखिए, थनैला रोग किसके कारण होता है? देखिए, थनैला रोग जो है ये बात अगर करें, ये जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 101, विषैले प्रभावों को दूर करने वाले औषधियों को क्या कहते हैं? विषैले प्रभाव को दूर करने वाले औषधियों को बोलते हैं भैया एंटीडोट। ए करेक्ट हो जाएगा। 102, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस प्रकार की जोत की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो है भैया सीमांत जोत की, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। 103 देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान है भैया देखिए सेवा क्षेत्र का, सकल घरेलू उत्पाद में। सी करेक्ट हो जाएगा। 104, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? संपदा कर भारत में सबसे पहले बार लागू किया गया देखिए 1957 में। बी करेक्ट हो जाएगा। संपदा कर वो प्रत्यक्ष राशि होती है जो किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा इस संपत्ति के मूल के अनुसार अदा की जाती है, ठीक है। चलिए 105 देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित करता है भैया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 106, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसको जो है ना भैया निमगन लागत बोलते हैं। सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 107 देखते हैं, 107 क्या है, विष्टि अर्थशास्त्र और समिष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किसने किया था? इस शब्द का निर्माण किया था देखिए रेगनर फ्रिशच ने, ठीक है, यानी कि ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 108 देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इसमें खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, यही है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। डी सही हो जाएगा। चलिए 109 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वेतन वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ए करेक्ट हो जाएगा। 110, निम्न हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सी स्थित नहीं है? तो उड़ीसा में जो स्थित नहीं है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए मयूर झरना। सी करेक्ट हो जाएगा। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में, राइट। 111 देखते हैं, देखिए गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये घोषित किया गया था
5 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, इसको 5 अक्टूबर 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। चलिए 112 देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये हर साल देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है, बी सही हो जाएगा। 113, सूची एक से सूची दो को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए पुट का सही उत्तर चयन करना है। अमीटर, इससे क्या मापा जाता है? देखिए इससे जो है धारा मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, इससे क्या? तो सापेक्ष आर्द्रता इससे मापी जाती है, ठीक है। स्प्रिंग तुला, इससे क्या? तो इससे वेट नापा जाता है। और बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। सही जो हमारा कूट हो जाएगा, देखिए सही कूट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी हमारा सही कूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 114 देखते हैं क्या है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर क्या है, देखिए लैक्टोबैसिलस, ये किस में काम आता है? तो भैया देखिए लैक्टोबैसिलस जो है ये काम आता है दही बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखिए राइजोबोम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आता है काम। उसके बाद देखिए यीस्ट, ये एथेनॉल उत्पादन में ये काम आता है, ठीक है। यीस्ट जो है एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल उत्पादन में। और एस्परजिलिस, ये साइट्रिस अम्ल बनाने में, ठीक है, साइट्रिस अम्ल बनाने में। सही जो कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन है पहला क्या है, 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सेटेलाइट यानी GSAT-1 लॉन्च करने की घोषणा किया गया था और GSAT-1 का वजन लगभग 1275 kg का होगा। सही जो इसमें जो हमारा कूट बैठ जाएगा, सही कूट कौन हो जाएगा? केवल पहला वाला सही है, ठीक है, ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। जी सेट का वजन जो है लगभग 2275 kg के आसपास है, ना कि 1275, ठीक। सॉरी 116, भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? देखिए भारत का पहला प्रोटीन दिवस जो है ये मनाया गया था 27 फरवरी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 117, भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरमेंट लॉन्च किया है? तो भारत ने ईयर ऑफ एनवायरमेंट जो लॉन्च किया है ये क्या है, देखिए फ्रांस के साथ, डी करेक्ट हो जाएगा। 118, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से एमएसएमईज के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है एमएसएमईज सक्षम, डी सही हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 को लॉन्च किया है? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 को लॉन्च किया है, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 120 देखते हैं क्या है। विश्व संस्कृति दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? देखिए विश्व संस्कृति दिवस 2020 जो है ये मनाया गया था कब? तो 3 अगस्त को, सी करेक्ट हो जाएगा। 121, ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है वो है देखिए कनाडा, ए करेक्ट हो जाएगा। 122, श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किस कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर दे ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी होगी? तो इसमें जो न्यूनतम पात्रता अवधि होगी वो होगी देखिए 1 साल की, ए सही हो जाएगा, ठीक। 123 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल होई किस देश में स्थित है? देखिए ये जो है ना ये स्थित है सीरिया में, बी सही हो जाएगा। 124, माणिक्यला राव का निधन हो गया वो क्या थे? देखिए माणिक्य राव का निधन हो गया वो जो है ना देखिए राजनीतिज्ञ थे, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं। कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया देखिए NIT त्रिची ने स्टार्ट किया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 126, जापान में आज के दिन 6 अगस्त किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था? तो लिटिल बॉय जो है ये हिरोशिमा पर गिराया गया था साल 1945 में, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 127 देखते हैं। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये जो पुस्तक लिखी है ना ये लिखा है देखिए यतीश यादव ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की फॉर्च्यून ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो इनका जो रैंक है देखिए वो है 2nd नंबर का, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 129 देखते हैं। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? ये पुस्तक लिखा गया है देखिए किसके द्वारा? तो नीना रॉय के द्वारा, अद्भुत अयोध्या नीना रॉय ने लिखा है।
130, प्रख्यात व्यक्तित्व सरली एन गेहूं का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? देखिए, सरली और गेहूं का जो निधन हो गया वो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थी। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? तो इनका जो है लक्ष्य जो है ये है, देखिए 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है 2024 तक। डी सही हो जाएगा। 132 देखते हैं, देखिए, पहला भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है भैया, देखिए कहाँ, तो मुंबई में। सी सही हो जाएगा। 133, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र क्या होगा? देखिए यहाँ जो वक्र है भाई, एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। ए सही है हमारा। 134 देखते हैं, नीले लाल काले व सफेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा होने के दिया जाता है, किसकी शीतलता दर सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक शीतलता दर जो इसमें हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी देखिए सफेद वाले का, क्योंकि ये जो है प्रकाश का प्रवर्तन करता है, इसलिए सबसे जल्दी से ठंडा होगा। 135, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का जो स्थान है वो भैया कौन सा है, तो इनका है 9वां स्थान जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। बी करेक्ट हो जाएगा। 136, 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? देखिए इसका जो रसायन नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है, देखिए, जेनिफर डार्डना को। ए सही हो जाएगा। ठीक, 137 देखते हैं, निम्न में से बेमेल कौन सा है, यहाँ पे बताना है। देखिए इनमें जो बेमेल की अगर हम बात करें वो कौन सा है, तो यहाँ पे है देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये अहमदाबाद। ये गड़बड़ है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखें इस बात का। 138 देखते हैं, वायुमंडल ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है किसको? देखिए ये जो है ना किसको सोख लेता है, तो पराबैंगनी किरणों को। वायुमंडल ओजोन उपस्थित है क्योंकि ये पराबैंगनी सी एवं अंशतः UVB अश्वेत किरणों को ये सोख लेता है। ठीक है, पराबैंगनी सी और यूवी जो है यहाँ पे किरणों को, ये अंशतः केवल जो है ये सारे किरणों को ये सोख लेता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ई करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 139, AR2 270 क्या है जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है? देखिए ये AR 170 जो है, AR2 270 जो है ये एक जो है सौर धब्बा है जो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, ए करेक्ट हो जाएगा। 140, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों तेल और विलेखों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए तो इसको उपचार करने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 141, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? देखिए यहाँ पे जो कथन सही नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे है भाई, 1909 में मुस्लिम लीग से अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था, तो यहाँ पे सी हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 देखते हैं, क्या है? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसमें जो भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का जो कारण नहीं था वो था अधिकारियों की अक्षमता। ये यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर हमारा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 143 देखते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह जो है ये किसके बारे में था, तो ये था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जाती थी, यही है नील विद्रोह। सी करेक्ट हो जाएगा। 144, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो सरकार का विरोध इन्होंने किया था, देखिए, चौकीदारी करके भी। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके भी विरोध द्वारा करके सरकार का विरोध किया था। 145, बिहार समान सभा के सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक, 146, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करना है, तो यहाँ जो सही जो हमारा कूट हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जगपति कुमार ये खराटी गांव से रिलेटेड थे, ठीक है, उसके बाद बात करें रामनंद सिंह ये शहादत नगर से रिलेटेड थे, ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं राजेंद्र सिंह, तो राजेंद्र सिंह ये बनवारी चक से रिलेटेड थे, ठीक है, और सतीश चंद्र झा ये खडारा से रिलेटेड थे। सही जो कूट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 देखते हैं, स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था, तो इसका नाम था भैया देखिए हुंकार। स्वामी सजानंद सरस्वती द्वारा ये हुंकार नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 148, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था। देखिए यहाँ पे जो है ना, इस शाखा का स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने, सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 149 देखते हैं, 149 है हमारा बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य की बात करें तो कौन से थे, तो उसमें देखिए NN सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे, चंद्रिका राम थे, देवेंद्रनाथ सामंत थे, जगत नारायण लाल थे, महेश प्रसाद सिंह थे। तो इतने सारे लोग थे यहाँ, यानी कि सारे ऑप्शन में रिलेटेड लोग इसमें रिलेटेड थे, तो यहाँ पे ई हमारा हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 150 देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर वन का, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था, तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जो थे वो थे देखिए भैया बाबू कुंवर सिंह जी थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर वन, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ था इसका 105 नंबर, चूंकि प्रैक्टिस सेट काफ़ी टफ था, अगर आपका 105 से भी थोड़ा सा कम आता है तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।